अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बड़ा आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक है जी बेटा। ये मैंने तीन एंट्रीज लिखी हैं बेटा, आप साकिब साहब ये आंसर एक मिनट छोड़ दें। आंसर में जो भी लिखा हुआ, ये मैंने तीन एंट्रीज अभी आपके सामने की हैं क्वेश्चन नंबर टू के एंगल से। ये वाला पहले मुझे बता दें, आप लोगों ने ये कर ली है, बाकी मैं आंसर में बता देता हूँ। आंसर वाला इश्यू छोड़ दें, वो ठीक कर लेते हैं। दूसरा नाम कौन सा था हाफिज साकिब के अलावा? इसने पूछा था वो सवाल? नहीं, सवाल अच्छा, ठीक है चल। ये जो मैंने तीन बेटा एंट्रीज लिखी है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर टू की तीन एंट्रीज आएगी, स्पीड अप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मेरी, एक के बाद दूसरा एक क्वेश्चन और हो सके। आप ये मैंने जो रिमेनिंग थ्री एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन नंबर टू की रह गई थी, वो काइंडली घर से लिखने को कहा था, वो मैंने आपके सामने लिख दी है इस बॉक्स के अंदर। काइंडली प्लीज कंपेयर कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर था सर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,000 थे और वर्किंग मास्टर्स के लेजर में जो दो थे वो हमने डेबिट किए थे रिस्पेक्टिवली 2,000 और 150, 1,250। तो डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा था, सॉरी क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा था, डेबिट बैलेंस था लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है अब्दुल्ला सर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ये बड़ा आप लोग बता नहीं रहे प्लीज, बस बाकी सब लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है राशिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस आता है माय डियर, ऐसे ना करें, कंसंट्रेशन सोचें। क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, डेबिट साइड ज्यादा थी। प्लीज मिस्टर राशिद जी बेटा, ये तीनों एंट्रीज ठीक है। अच्छा सर, आपके ना क्वेश्चन के आंसर्स में आंसर, वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसे टेंशन ना लीजिएगा, आंसर में समटाइम्स डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और कैश या पेबल्स कभी कभी लिखा नजर आएगा, तो आप उस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा, आप अपने तरीके से ही करें जिस तरह आपने किया वो ठीक है। ये नेट एंट्री बनी हुई है लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़िएगा। ओके सर राशिद, तो ये बेटा हाफिज साहब, आप जो आपने जो आंसर में देखा है उसको मेरा ख्याल है कंफ्यूज ना ही करें, आपने जो कर लिया वो ठीक है, ये भी हो सकता है लेकिन आप ना कीजिएगा, आंसर मैं ठीक कर लेता हूँ, तो आंसर को छोड़ दीजिएगा जी। अब फर्स्ट टू क्वेश्चन में आई एम अज्यूमिंग के आपका कोई सवाल नहीं रह गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा प्लीज यलमा साहब, वो जो 10% लॉस था वो हुआ नहीं था, वो लॉस यूनिट्स में वो यूज हो गए पॉइंट जॉब सी में, इसलिए उसके अगेंस्ट लॉस डेबिट की बजाय वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट हो गया हुआ है, तो वो लॉस हो जाना था लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं जॉब सी में, इसलिए लॉस डेबिट की जाए की बजाय वर्क इन प्रोसेस सी डेबिट हो चुका है। ठीक है, वर्किंग देख लें जरा काइंडली। जी बेटा अब्दुल समद साहब, आपकी बेटा मर्जी है, आप लोग अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाह रहे, आपकी चॉइस है। आपने जो देखा है वो देखा है जॉब 202 के एंगल से, और अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है वो रिमेनिंग यूनिट्स पर ट्रांसफर टू कस्टमर्स वन जॉब 101 के एंगल से किया है। अब्दुल समद साहब क्या कर रहे हैं, जितना आपने लंबा सवाल लिखा है पढ़ के तो मेरा भाई देख यार, 101 के एंगल से जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं कस्टमर को, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल मैंने लिखी है, और जब 5,000 यूनिट 2,002 के बने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं लिखी है। आप भी देख लें यार, अगर मैंने लिखी है तो मेरे भाई मैं मिटा देता हूँ यार, हुक्म करें सर। माय डियर इस तरह अगर करेंगे तो ये कंसंट्रेशन का लैप्स है माय डियर, इसका फायदा कोई नहीं बेटा, जिससे जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये हो गया है वो हो गया है इस तरह, तो बेटा अच्छा सवाल, क्या मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी जी सर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पायर लिमिटेड, स्पीड अप होगा जरा एक अब।
इंशाल्लाह हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें कोई इंशाल्लाह बचेगा आज की इंशाल्लाह डिस्कशन के बाद मैक्सिमम चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, बाकी डेफिनेटली क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे साथ साथ देखते रहेंगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3, सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट्स ऑफ, करना क्या है, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एसएल, जनरल एंट्रीज ही है। सफायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, से परेशान ना होइएगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिंपली मीन्स काम के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उसके मुताबिक हम वर्किंग कर रहे हैं और फिर जितने ऑर्डर्स हैं उनके अलग अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स बन रहे हैं। फॉलोइंग डिटेल्स वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एसएल रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 11, कुछ मंथली डाटा। मटीरियल इश्यू टू प्रोडक्शन के यूनिट नियम है, आप बेसिक एंट्रीज इन में लाए, डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं अभी सॉल्व करता हूँ आपके साथ मिलकर। मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन की एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अब जो नीचे ये इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, एक सॉर्ट ऑफ हेडिंग है, अगर हम और से देखें नीचे इसके पे मटेरियल एक्स और वाई के वर्ड लिखे हैं, दो रॉ मटेरियल इश्यूड हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। एक्स जो है वो शायद बी में इस्तेमाल नहीं हो रहा और वाई जो है वो शायद ए में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये अभी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स की एंट्री नहीं करनी, इसकी अमाउंट को ढूंढेंगे, वो इंशाल्लाह अगर मिलेगी तो यूनिट्स को फिर रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स की एंट्री करेंगे। जो मैंने चंद बातें बोली हैं वो ठीक है, स्पीड अप स्पीड अप। आप समटाइम्स अज्यूम करते हैं कि किसी ने बता दिया होगा, यकीन माने वो किसी आप ही हैं। आगे बढ़े, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स और डायरेक्ट लेबर रेट उसी तरह दिया हुआ जिसका कल दिया हुआ था। वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डेबिट फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट कर लेंगे, आज से रेट मल्टीप्लाई करके आगे चले। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में फिर मटेरियल परचेज की भी इंफॉर्मेशन है, ऑन अकाउंट का मतलब लिख लीजिएगा सिंपल, इसका मतलब ऑन अकाउंट का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, एक टर्म है जिसका मीनिंग जरा नोट कर लीजिएगा। अब मटेरियल परचेज की इंफॉर्मेशन उसने अलग दी है, ऑब्वियसली क्वांटिटी परचेज ज्यादा हो सकती है और इशू कम हो सकती है, स्टॉक्स वगैरह की अपनी जगह बात है, लेकिन ये परचेज है। अब यहाँ क्वांटिटी के साथ रेट भी दिया एक्स और वाई का, तो शायद फिर जो ऊपर हमें क्वांटिटी इशू दी हुई है उसके लिए फिर हम रिस्पेक्टिव रेट्स यूज कर सकते हैं, सही है। मटेरियल एक्स और वाई जिस रेट पे खरीदा है उसी रेट पे फिर इशूएंस की एंट्री कर लेंगे, ऑब्वियसली परचेज की एंट्री करेंगे, मटीरियल एक्स डेबिट मटीरियल वाई डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, वो ठीक है अपनी जगह। आगे बढ़े, देन माय डियर वो कहता पेरोल, पेरोल क्या होती है, सैलरी अमाउंट रुपीज 3 मिलियन ऑफ विच 1 मिलियन परटेन्स टू सेलिंग एंड एडमिन स्टाफ, कोई इशू नहीं है। फैक्ट्री से रिलेटेड इसका मतलब फिर 2 मिलियन है और 1 मिलियन हेड ऑफिस की है, मैंने सही ब्रेकअप बोला 3 मिलियन का, आउट ऑफ विच तो हम एंट्री क्या करेंगे। अब ये एक्सपेंस दिया हुआ है हमें तो फैक्ट्री पेरोल डेबिट 2 मिलियन और अब क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन है इसलिए हेड ऑफिस पेरोल या सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस पेरोल डेबिट 1 मिलियन और कैश या पेबल क्रेडिट, लेकिन वो आगे जरा पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या है। फिर यहां तक ठीक है मेरी बात, एक्सपेंस दिया हुआ है 2 मिलियन एंड 1 मिलियन फैक्ट्री का और हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिस कह रहा है। देन बेटा एक सेंटेंस आ रहा है बीच में, इस सेंटेंस को मैं कोशिश तो करता हूँ ट्रांसलेट कर दूं लेकिन विदाउट फिगर्स मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कुछ फिगर्स की बात कर रहा है। कहता है आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, शायद यहां से कोई बात कर रहा, द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वॉज एट्रीब्यूटेड टू जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। यकीनन ये वर्ड्स इतना समझ नहीं आ पाएंगे, मुझे सिर्फ ये बता देंगे कि क्या कोई सैलरी ऐसी होती है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाती है, क्या कोई सैलरी ऐसी है जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है, कोई नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे उसका, उस सैलरी का नाम क्या है। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, मोहम्मद सलमान व्हाट्स गोइंग ऑन, डायरेक्ट सैलरी इनडायरेक्ट सैलरी सर, इनडायरेक्ट लेबर,
तो ये बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी इंटरेक्ट सोचा नहीं, तो मतलब ये क्या वो सोचा नहीं हो, जवाब दे दिए। मोहम्मद सलमान नाकरिया, प्लीज सोचें फिर जवाब दें। बहरहाल मिस्टेक ठीक होगी ये सबकी, अगर कोई है तो इनडायरेक्ट सैलरी, अगर है मिस्टेक तो बताइएगा, बना रहने दें। ठीक है चले ओके। तो बेटा वो कह ये रहा है कि जब हम चार्ज कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो बाकी कैसे बचेगा, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपके सामने वर्कआउट करता हूँ, वो बाकी कैसे बच सकता है, क्योंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आज आखिरी सेंटेंस फिर ये है, पेरोल हैज सब्सिक्वेंटली बीन पेड। इस सेंटेंस से लग ही रहा है कि पहले शायद अक्रू किया है और बाद में फिर पे किया है, तो शायद पहले हम पेबल की एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर बाद में पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बीइंग पेड, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे अक्रूअल बेसिस पे और फिर पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। समझ आ जाएगी बात ये? चलें आगे। देन वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज अप्लाइड टू जॉब्स मींस कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ 25 पर लेबर आवर। जो चीजें रिपीट होनी है वो इंशाल्लाह आपने खुद से सही करनी है, ये वही डेटा ऊपर दिया हुआ है लेबर आवर्स, तो उसके बेस पे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर लेंगे। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड रुपीज 7 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आज हम थोड़ी सी एंट्री फर्दर एक्सप्लेन करने की पोजिशन में हो गए हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसने बता दी है। मेरा ख्याल है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होने चाहिए 7 लाख से, अगर थाउजेंड्स में लिखूं तो 700। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होनी चाहिए 100, और बाकी फिर अदर एक्सपेंसेस कह लें, रेंट वगैरह एक्सेट्रा कह लें, अदर देन डेप्रिसिएशन, रेंट इंश्योरेंस, थोड़ा सा ब्रेकअप बन सकता है, इसलिए मैं शायद इंटरेस्टेड हूं कि 300 ऐसे लिखूं। डन। तो ब्रेकअप अगर है तो बेटा अकॉर्डिंगली एंट्री कर लेंगे, ब्रेकअप ना हो तो आई थिंक शायद इकट्ठा मजबूरन करना पड़ता है। तो आप काइंडली इसी तरह जेहन में रखिएगा, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कभी किसी आंसर में डिफरेंट तरीके से नजर आए तो प्लीज उसे अपने इग्नोर करना। देन माय डियर अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड को आज फिर वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करना है, कर लेंगे, लेजर बना लेंगे। आई रिक्वेस्ट हमेशा बनाइएगा और अकॉर्डिंगली फिर लिख लेंगे। जॉब एंड बी वर कंप्लीटेड, डबल एंट्री, फिनिश गुड्स ए बी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए बी क्रेडिट, लेजर बना लेंगे ए बी के, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। देन माय डियर आगे बढ़े, जॉब ए वाज सोल्ड, जॉब ए को सेल किया गया फॉर पीस 2 मिलियन टू वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट। सोच के बता दें क्या ये 2 मिलियन सेल प्राइस मिल गई है, सोल्ड फॉर पीस 2 मिलियन, क्या हो गया यार? तो इसके बेटा क्रेडिट पे सेल की है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री करेंगे? यस कीजिएगा प्लीज। वो कैसे पता चलेगी? जॉब ए की कॉस्ट हम निकाल चुके होंगे, परपेचुअल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन एक गेम ऐसी आई जिसका मुझे बड़ा शदीद खतरा है। कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजेक्शन एट 2% कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। प्लीज सोच लें, सब लोग सोच लीजिएगा, अभी जवाब नहीं देना, पहले सवाल मेरा सुन लीजिएगा प्लीज। क्या ये सेल में से लेस करके डिस्काउंट सेल रिकॉर्ड करेंगे या ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, जो पैसे मिलेंगे तो डिसीजन लेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि इसका मतलब हुआ फिर वहीं खड़े हैं हम, क्या ये सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं है? साथ ही उसने तो वर्ड भी लिख दिया यार, एग्री टू सेटल द ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आसिफ अली साहब कहते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आसिफ अली प्लीज कह दे मेरा भाई कि मजाक किया है यार, हालांकि किया तो नहीं है यार, आसिफ अली ये कॉन्ट्रा है यार। जी सर जी, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिलियन पे से पूरी रिकॉर्ड होगी और अब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं कि पैसे कब मिले हैं,
तो जब भी पैसे मिलेंगे उस वक्त डिसाइड होगा कि अगर टाइम पे पैसे हैं तो फिर डिस्काउंट अलाउड के नाम से अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। मैंने जो सेंटेंसेस बोले हैं अगर कोई इख्तलाफ रखता है मींस उसको बात क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दे मैंने क्या बोला है। लेट मी रिपीट के सेल पूरी रुक टू मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। ठहरे ठहरे राशिद दस मिनट मेरा सेंटेंस सुन लें, अगर कोई इश्यू होगा तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि मुझे सवाल समझ आ जाए। सेल टू मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट अलाउड का फैसला तब करेंगे अगर पैसे विद इन टाइम मिलेंगे और उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने सही बोला है, अगर जिनका ख्याल है सही बोला वो नहीं बताएंगे, और अगर किसी का ख्याल है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो काइंडली बेटा उससे बोलो पूछ लें ताकि मैं अकॉर्डिंगली उनके आंसर्स को ठीक कर सकूं। आगे बढ़े, थैंक्स अलॉट। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस पे रेट लगा दी मैं अदर देन सैलरी पेड, तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस अब दे दी है उसने तो हम एंट्री लिख लेंगे यार। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और अदर देन सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर तो कैश क्रेडिट, ठीक है कैश अपेबल चलने लिखे, वैसे कैश में रखना क्रेडिट चेक। डन सर, कर लें एंट्री शुरू। जो पढ़ा है कुछ समझ आ गया, लेट स्टार्ट। कोशिश करें कि अगर ये विद इन टाइम हो जाए तो मैं एक कंप्रीहेंसिव से क्वेश्चन जरूर आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं ताकि ऐसे ही कुछ टाइम हमें फिर टाइम भी हमारा को सेव हो सके। चीजें तो बहुत सारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़नी पड़ रही है। तो लेट स्टार्ट सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लीज ये वाला सवाल ना पूछा करें, ये कहाँ से है वो कहाँ से है, बिलीव मी सर मेरे डेटा वाला जनरल एंट्रीज। जी नजम ऐसे ही बेटा, कंपनी नेम है स्पायर लिमिटेड। आप ऐसा कीजिएगा हर ट्रांजैक्शन के बाद वो नरेशन वगैरह के लिए एक लाइन रख लीजिएगा। मैं प्लीज अब टाइम जरा वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मेन चीजों पे जरा कुछ टाइम जरा ज्यादा लगाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं नरेशन कहीं ना भी लिखूं तो आप खुद नोट कीजिएगा। स्पीड अप हो जाएगा। स्पायर लिमिटेड कंपनी नेम, जनरल एंट्रीज फॉर फरवरी 2011। ये अब्दुल्ला रहमत अली साहब को जरा कटे सर। सीक्वेंस डेवलप करें सब चीजों का, तरतीब से चलते हैं। बैक इन प्रोसेस, अच्छा ये बेहतर ही रहेगा, ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए होनी है कि रॉ मटेरियल्स दो हैं, तो जस्ट एक मिनट अगर मुझे करवा दें तो सबसे बेस्ट रहेगा, और अकॉर्डिंगली जब जितना आप एक्सप्लेन करना चाहें वो कर लीजिएगा। तो वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डेबिट मटेरियल एक्स एंड शायद वाई बी क्रेडिट, लेकिन पहले मैं रुक के जरा एक मिनट एक्स कंप्लीट करना चाहता हूं। गौर से देखना आपने एक एक 40,000 यूनिट्स ऑफ एक्स रेट नीचे से लेना पड़ना है, आगे पीछे उसने दिया हुआ है परचेज रेट इनटू 25 सिर्फ मटेरियल एक्स पहले फाइनल करें। बी में मटेरियल एक्स नहीं लग रहा, सी में मटेरियल एक्स 10,000 एट द रेट ऑफ 25, इसका मतलब हिम्मतफुल मटेरियल एक्स टोटल लगा है 50,000 यूनिट्स ए और सी पे मिला के एट द रेट ऑफ 25। यहां तक जो मैंने किया है कुछ समझ क्या किया मैंने, मेरी एंट्री भी कंप्लीट नहीं है यकीन अलहदा कर सकते हैं कंपाउंड सही जाएगी जरा जी, रुपीज इन थाउजेंड में लिख लेंगे वो एक अलहदा इशू है ठीक है, लेकिन अगली और कंसंट्रेशन वाई मटेरियल वाई जो है वो ए पे नहीं लग रहा, हिम्मत बी पे लग रहा है 75,000 यूनिट्स, लेकिन रेट कौन सा लूंगा बी वाला 35, लेकिन सी पे लगता है बी भी लग रहा है सॉरी वाई भी लग रहा है तो प्लस 25,000 इंटू 25 नहीं 35, और फाइनली हिम्मत
मटेरियल वाई भी क्रेडिट, लेकिन मटेरियल वाई टोटल कितना लगा? 75,000 यूनिट्स लगे बी को और 25,000 यूनिट्स लगे सी को, तो मींस 100,000 टोटल यूनिट्स लगे मिला के एट द रेट ऑफ 35। बात मेरी 100% क्लियर है? रजम रहने दें, कोई जरूरत नहीं, अब बड़े हो जाए, अलहदा रहने दें, इकट्ठा करें, देखी जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़े। ये मेरी आप लोगों का आवाज ठीक आ रही है? तो महसूस नहीं हो रहा, गूंज रही है? एक मिनट, मेरी आवाज बेटा का बताइएगा, आवाज ठीक है मेरी? बिल्कुल कोई ठीक है सर, ठीक, ओके 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 ओके, थैंक्स अ लॉट। आप वैसे सिर्फ एक सवाल का जवाब सब लोग सही देते हैं, आवाज ठीक है, वो भी मेहरबानी है आपकी, शुक्र। देख लें, तसल्ली से देख लें, तसल्ली से बड़ा देख लें। अच्छा बारा, मेरी इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि अंदर से ये जवाब भी देना छोड़ दें कि मैंने टॉन्ट किया आप लोगों को, प्लीज, वो वैसे ही आपसे बस बातों बातों में हो जाती कभी बात। थाउजेंड्स में लिख लीजिएगा, आई थिंक ये फिगर्स बन जाएंगी रिस्पेक्टिवली 1,000,000 बी सी में। सर जी 10,000 यूनिट्स जो है वो ए के इस्तेमाल हो रहे हैं और 25,000, सॉरी 10,000 यूनिट्स जो है वो एक्स के इस्तेमाल हो रहे हैं और 25,000 जो है वो वाई के इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है यासीन साहब एंड उसामा साहब। सी में एक्स के भी लग रहे हैं यूनिट्स और वाई के भी यूनिट्स लग रहे हैं और एक्स का रेट है 25 और वाई का रेट है 35, ओके यासीन साहब एंड उसामा। ये बड़ा फिगर्स ठीक करें, आपकी वर्किंग ठीक नहीं हो रही। मोहम्मद उसामा प्लीज यार बता दे, 2,625 फिगर्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1,125 मटेरियल टोटल क्रेडिट होगा 1,250 से, बेटा क्वांटिटी है ये, अलमास क्या हो गया, सवाल देख लो बड़ा करके, यूनिट्स दिए हैं वो परचेज के यूनिट्स से क्या कर रहा है, और 3,500 एंट्री चेक कर लें, एंट्री बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन विद फिगर्स मैच कर लें। मिस्टर यलमाज क्वांटिटी दी हुई है यार, वो परचेज क्वांटिटी है, तो परचेज क्वांटिटी की एंट्री अभी करनी है। जी सब इकट्ठे हो गए, थोड़ा जरा कहेंगे अगर स्पीड अप हो सके यार, थोड़ा सा जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन और अगर बीच में ऐड हो जाए। ये फिगर्स उबैदुल्ला काइंडली मैच करने में सही है, मैंने फिगर्स लिख दी है, मेरे ख्याल से आपको टाइप करने में टाइम लगेगा। जी डियर, उसके बाद आ जाए दूसरी एंट्री पे लेबर वाली, ये एंट्री आप बनाए, वर्क इन प्रोसेस ए बी सी डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, कैसे 6,000 इंटू 75, 9,000 इंटू 60, सी आई थिंक 15,000 इंटू 65, मिला लें फिगर्स को, 450, 540, 975, टोटल बनेगा 450 प्लस 540 प्लस 975, 1,965, तो 1,965 जो है ये डायरेक्ट लेबर की फिगर बन गई। डन सर,
आप कुछ यूज्ड टू हो रहे हैं, कुछ खतरा महसूस जो हो रहा था पूछे पिछले क्वेश्चंस को करते हुए, कुछ वो खतरा रिड्यूस हो रहा है सर, कुछ चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही हैं माय डियर। आगे बढ़े, तरतीब से चलते रहे, परचेजेस की एंट्री हो जाए, मटेरियल वंस अगेन आई थिंक कंपाउंड करें यार, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई डेबिट ऑन अकाउंट मीन्स क्रेडिट पे, क्वांटिटी कितनी कितनी खरीदी है 1,25,000। जी सर जी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बाकी रिकॉर्डिंग आ जाए आगे आ जाएगी जब वो आएगी। ठीक है मिस्टर तला, यलमाज मुझे लग रहा है आप कल में मिसिंग थे। अच्छा यलमाज कल थे आप क्लास में? अच्छा नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग तो फाइनल कर ली कि नहीं? ये पढ़ाई के दौरान मोबाइल का नेट का प्रॉब्लम बहुत होता है यार, कभी ये प्रॉब्लम आया? मतलब मैं, आप लोग तो खैर इससे यूज नहीं होंगे, जब भी कभी YouTube खोली हो मैंने या Facebook खोली हो तो कभी नहीं प्रॉब्लम आता है यार अब्दुल्ला। ये बच्चे बच्चे पता नहीं, मेरा ख्याल YouTube वगैरह चलाते नहीं अपने मोबाइल, वरना इनके मोबाइल बड़े सेट हो जाते हैं। क्या ख्याल अब्दुल्ला? जी डियर, इन सब के अगेंस्ट पेबल जी, चले हमदा किसी बहाने आपका कोई मैसेज तो आया है यार, किसी बहाने ही चलो हमजा, यानी किसका मतलब मैं कोई इरेलीवेंट बात करूंगा तो हमजा का जवाब आया करना। हमजा ने फैसला किया है कि तो उसने पढ़ना नहीं है, और अगर वो किसी क्लास में आ ही गया गलती से, वैसे तो उसने आना भी नहीं, क्लास में भी नहीं आना, ये भी उसका डिसीजन फाइनल है मुझे लगा। उसने डिसीजन ये ले लिया हमजा ने कि मैंने ना पढ़ना है ना मैंने सही तरह क्लास में आना, और मैंने अगर जवाब कभी देना है तो मैंने हमेशा इरेलीवेंट चीज का जवाब देना है, ये हमजा का लगता फाइनल डिसीजन है मुझे लग रहा। छा गए रजब साहब, छा गए जी, डाने सर एंट्री ओके। नहीं अली, इंशाल्लाह ये मिशन आपका पूरा नहीं हो सकेगा, आपने अगर ये मिशन मेरे ना पढ़ना है और ना पढ़ने देंगे ये नहीं, इंशाल्लाह दूसरा वाला हिस्सा मुश्किल में इंशाल्लाह मैं नहीं होने दूंगा, पहला यकीनन मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इंशाल्लाह दूसरा जो है मेरा पूरी कोशिश मेरी है कि मैं भी अपना मिशन जारी रखूं, इंशाल्लाह ना पढ़ने देने वाला जो मिशन है इंशाल्लाह अली, इस पे हमारी फुल आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है, तो इंशाल्लाह ये नहीं यार। बाकी जो पहला है वो मेरी रिक्वेस्ट है वो ना कर, तेरी मेहरबानी है, लेकिन वो मैं रोक नहीं सकूंगा। अच्छा हमजा के बारे में, नहीं हमजा के कोई नहीं, हमजा ने भी डिसीजन ले लिया सही हो गया जी। कल की क्लास भी होगी, आकिब कह रहा है कल क्लास होगी यार, ये मोहम्मद आकिब साहब कह रहे हैं कल क्लास होगी, ये लगता है हमारा टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये कल लगता है जो सवाल हमने आज करना है ये कल करना चाह रहे हैं आकिब। आखिर हम आज के सवाल कर लें, हम आज के पहले क्वेश्चन बेटा कंप्लीट कर लें, फिर मेरा ख्याल है कि आपका मशवरा वैसे बुरा नहीं है, तो इसके बारे में बच्चों से पूछते हैं कुछ, तो देखते हैं कुछ। आपकी बात वैसे मुझे लग रहा है कि बच्चों के दिल में जाके इसने घर कर लिया बाद में, कि बात बिल्कुल ठीक है जी सर। बस करें बस करें बस करें बस करें, सीरियस गेम स्टार्ट हो गई, बस 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 छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, इसका मतलब सारे हैं सारे मौजूद हैं, बस सवाल कोई रेलिवेंट होना चाहिए ताकि जवाब आ सके, मेरा सवाल ही हमेशा मेरा ख्याल आपको जो मैं करता हूँ रेलिवेंट महसूस होते हैं, तो आप भी पिक एंड चूज कर रहे हैं कि कौन सा सवाल का जवाब देना चाहिए। माय डियर मेरे इन सवालों के जवाब चाहे आप ना दें, जब मैं बातें कर रहा हूँ ये तो मैं अजीब बातें कर रहा हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, मुझे तो लग रहा है आज प्लंटी बनती है। आप कल की क्लास की बात करें, मुझे तो लग रहा है आज की क्लास ही मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़नी है सदा के तौर पे, कि मैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
आगे बढ़ जाए सर। पेरोल अमाउंटेड टू रुपीस, ये वाली बात जो बेटा मैंने की थी थोड़ी देर पहले, ये अब आपने एक एक बात कंसंट्रेशन से सुननी है माय डियर। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है पेरोल अमाउंट टू बी 3 मिलियन आउट ऑफ व्हिच 1 मिलियन रिलेट्स टू पर्टेन्स टू सेलिंग एंड एडमिन। इसका मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है सुन लीजिएगा। ये दो एंट्रीज आप पहले फैक्ट्री पेरोल डेबिट 2 मिलियन इन थाउजेंड्स, सेलिंग एडमिन पेरोल लिख लें या हेड ऑफिस पेरोल लिख लें, शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिलियन डेबिट और एंड में लिखा था सब्सिक्वेंटली पेड, तो वक्ती तौर पे अक्रूड पेरोल या पेरोल टेबल क्रेडिट बाय 3 मिलियन। मैंने जस्ट इस पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस की एंट्री लिखी है, मुझे पहले जरा रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मैं साथ साथ समझा सकूं बात, ठीक है। और इस सवाल को भी रेलिवेंट समझ के जवाब दे दें यार। अब ये सेंटेंस बस ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। पहला छोड़ के फोकस करें दूसरे पे और इसकी जरा ट्रांसलेशन सुने मेरे से। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट। अब बेटा प्रॉब्लम ये है, ऊपर देखें कंट्री 1960 वॉज द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ए बी एंड सी इन दिस डेटा। यहां तक ठीक है, और नीचे जब हम आए हैं तो 2 मिलियन इज द टोटल फैक्ट्री पेरोल कॉस्ट। तो यहां से पता ये चला कि वो कहता है आप सेंटेंस पढ़े, आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब मींस 1965 द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज एट्रिब्यूटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या जो डिफरेंस 35 बनता है, कैलकुलेट कर ले 35, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। क्या इसमें से जो बाकी बचा है 35, उसकी अगर मैं ये एंट्री करूं तो आपको कहीं अपने जहन से याद आ जाएगी कि हाँ यार ये भी होती थी, लेकिन शायद उस वक्त हमने कंपाउंड पढ़ी थी और इस वक्त हमें डेटा अलग अलग दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट 35 एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट 35। हमने कंपाउंड एंट्री पढ़ी थी, जस्ट अ मिनट, फैक्ट्री पेरोल का जरा लेजर जहन में लाएं। ये जो 2000 है ये तो डेबिट है, क्या आपको पता है फिर इसमें से, हिम्मत कीजिएगा, इसमें से 1965 टोटल लिख रहा हूं तो वर्क इन प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और वो कहता है जो बैलेंस बचा है वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है, मींस इनडायरेक्ट सैलरी है शायद। ये मेरी कुछ बात हजम हो रही है मेरी इस लेजर की बेस पे? तो ये वाला काम मैंने यहां किया है, ये वाला काम यहां हुआ है, और ये वाला काम हम ऊपर डेटा की बेस पे कर चुके हैं। बात 100% क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई भी एम्बिग्यूटी रह गई है तो प्लीज उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। कोई सवाल अगर किसी का बस वो बताए। एक नजर सेंटेंस दोबारा पढ़ लीजिएगा। वो बेटा इसलिए समझ नहीं आई अब्दुल समद क्योंकि बेटा आपने कैलकुलेटर ही नहीं पकड़ा। अगर आप कैलकुलेटर पकड़े तो 2000 टोटल फैक्ट्री लेबर है और 1965 डायरेक्ट लेबर है, तो डिफरेंस इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री रेट्स का पार्ट है, ठीक है अब्दुल समद साहब, इमादुल्ला साहब एंड अब्दुल अमर साहब। बेटा प्लीज साथ साथ चला करें, ऐसे ना किया करें यार, मैंने भी कहा प्लीज सॉल्व करें, सॉल्व किया करें कांडी। ये और तो नहीं कोई इशू किसी का रह गया?
जी अब्दुल्ला अमर साहब। बड़ा ये अलमास को खुदा का नाम ले यार, वो तो अक्रूड पेरोल क्रेडिट का मतलब एक्सपेंस पेबल क्रेडिट हो गया, पेबल लाइबिलिटी बन गया, कि एक्सपेंस पेबल नहीं होना जब तक पे नहीं करेंगे, और सब्सिक्वेंटली पेमेंट की मैं एंट्री अभी कर देता हूँ। मिस्टर जलमाज डबल एंट्री पूरी नहीं करनी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और पेबल की प्लीज वर्ड अक्रूड पेरोल। और सर अक्रूड मींस पेबल है मिस्टर यलमाज। आप लोग जो एफ1 के कुछ स्टूडेंट्स इंट्रो पढ़ रहे हैं ना, इंट्रो में जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है जैसे एफ1 आपको सारी आती है, और वहां आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं बच्चों के साथ। अभी अभी 10 के दिन ठहर जाए, मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे रहा, फिर इंशाल्लाह सवाल आपसे हुआ करने। ये जितने एफ1 वाले इकट्ठे हुए हैं ना इस वक्त इंट्रो में, और वो माशाल्लाह वो ऐसे ऐसे सवाल में से पूछ रहे हैं, और मैं उनको इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि जरा 3 के दिन ठहर जाए जरा, फिर उसके बाद देखिएगा आपसे सवाल मेरे शुरू होने। जी बेटा उसने 3000 में नहीं की है, अगर बेटा निजम आप सवाल पढ़ते तो आपको बेटा बड़े आराम से पता चल जाता। उसने बताया है पेरोल अमाउंट इन रुपीज 3 मिलियन, आउट ऑफ विच 1 मिलियन पर्टेन्स टू, ये तो उसने खुद नजम साहब बताया कि 3 मिलियन में से जो 1 मिलियन है वो हेड ऑफिस मींस सेलिंग और एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है मिस्टर नजम, आगे बढ़े सर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी फिनिश, मैं एक आखिरी एंट्री कर लूं। आखिरी एंट्री बेटा ये है, वो कहता है सब्सिक्वेंटली पेरोल पे भी हो गई है, तो बेटा एक एंट्री शायद फिर और होनी चाहिए। क्या एंट्री बनेगी आप बताएंगे? वैसे आप पेबल अगर रिकॉर्ड हो गया है तो पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए, दोबारा फिर एक्सपेंस डेबिट करूं या अब अक्रूड सैलरी अक्रूड पेरोल डेबिट करूं? क्या ख्याल आप लोगों का, पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करूं या एक्सपेंस फिर रिकॉर्ड कर लूं? तो लास्ट बेटा एंट्री बनेगी फिर अक्रूड पेरोल डेबिट 3 मिलियन, और कैश या बैंक क्रेडिट विच एवर यू लाइक 3 मिलियन। ये 3 एंट्रीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जरा रुक के पहले देख लें, अब आप नोट कर लें कैंडी हर एंगल से प्लीज। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे बताना प्लीज। अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों को बाय कोरियर बुक्स मिलना शुरू हुई, आप लोगों में से कुछ लोगों को बाय कोरियर बुक्स मिलना शुरू हुई हैं, जरा थोड़ा सा मुझे जरा आइडिया दे दीजिएगा। कुछ लोगों की तो एक आध बुक अभी मिसिंग है, तो वो शायद आज शायद सेंड होगी या मंडे को होगी, कुछ ना कुछ लोगों को मिलना शुरू हो गई कोरियर से। मेरा ख्याल है आपको ये मेरा क्वेश्चन रेलिवेंट महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि यार बात सब उसने का सब्सिक्वेंटली पेमेंट हुई है। नहीं वो हो जाएगी, वो मैं नहीं पूछ रहा क्यों नहीं हुई, वो तो मुझे पता क्यों नहीं हुई, लेकिन जी हमजा छागे बहाना मिल गया हमजा को, बुक्स के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। छागे वो बिलास साहब अगर गलत कोई बुक मिल गई है तो वो जरा काइंडली अगर आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लें ताकि आप फिर आपको सही बुक मिल सके। ठीक है बिलाल यूसुफ सर, बिलाल यूसुफ आई थिंक लग रहा है या बिलाल यूनस शायद। जी डियर आगे बढ़े सर, नोटेड एंट्री, स्पीड अप हो जाए जरा, वाइंड अप करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स को अप्लाइड करना है जी, 25 रुपया रेट है, और आर्स वही लेबर वाले हैं, लेबर की बेस पे मैंने आपसे कहा था बार बार कि लेबर की बेस पे अक्सर डाटा दिया होता है। तो 25 पर डायरेक्ट लेबर आर, 6000 घंटे वगैरह वो वहां से ढूंढ लें, इसकी एंट्री खुद से करें जरा। वर्क इन प्रोसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, कंटिन्यू इन चीजों को फाइनल करें जहन में। अमाउंट्स बन जाएंगे 25 रुपए पर लेबर आ रहा, और आर्स जो है वो आप वहां से ढूंढ लें जहां आपने
ऊपर लेबर की एंट्री की है। नहीं बेटा, इंट्रो की अभी फाइनल नहीं है, इंट्रो के अभी कुछ दिन फाइनल होनी है, फिर वो तभी मिल सकेगी। ठीक है, तो बेटा वो मसला मुश्किल हो जाएगा मेरा खाना। तो अपने को नियरेस्ट एड्रेस बता दीजिएगा, अगर वहाँ ज़रा मुश्किल होगा तो कोई नियरेस्ट एड्रेसेस वगैरह अगर पता चल जाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे पूरी। जी माय डियर, आंसर्स बनेंगे 150, 225, 375 और 750। हर नई चीज बेटा टाइम मांगती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर नई टीम, हर नई चीज, सारे सब टाइम मांगती है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, वक्त लगता है, परेशानी सोल्यूशन नहीं है। ये नोटेड है, प्लीज थोड़ा सा स्पीड पकड़िए जरा। नोटेड है, नोटेड है, नोटेड है, नोटेड है, नोटेड है, नोटेड है, नोटेड है। ये राशि बिल्कुल गलत कर दी आपने, एक्चुअल की एंट्री करें 7 लाख, एक्चुअल की एंट्री भी मैंने लिख दी थी, जल्दी से एंट्री करें। एक्चुअल की एंट्री करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड डेप्रिसिएशन की लादा फिगर दी हुई है 700, आई थिंक 400 डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, डन डन माय डियर, डन माय डियर, डन माय डियर, डन माय डियर। दोबारा जरा मेरे साथ देखें, ओवर अंडर अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लोज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया हुआ है। अब इसमें बेटा आपने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है जल्दबाजी की वजह से। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा सारी एंट्रीज देख के, सारी एंट्रीज देख के फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर बनाएं। ये मैंने सारी एंट्रीज पे फोकस क्यों की है, क्योंकि बेटा सारी फिगर्स आएंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तभी बैलेंस कर सकेंगे हम। तो अब सारी फिगर्स से मेरी मुराद क्या है, गौर से देखें कहां कहां आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को डेबिट या क्रेडिट किया है। पहली में नहीं किया, दूसरी में नहीं किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, पांचवी एंट्री में ढूंढे जरा। 35, क्या इनडायरेक्ट सैलरी फैक्ट्री पेरोल के नाम से आपको डेबिट साइड ऑफ दिस लेजर फिर नजर आएगी अगर रिकॉर्ड आपने किया डेबिट करके। जी मिस्टर राशिद, आपने गलत कर दिया था, बाकी भी बताएं मुझे काइंडली। तो इनडायरेक्ट सैलरी तो बेटा फिर हमने अलग रिकॉर्ड किया ना यार, तो वो भी तो डेबिट हुई है। हाँ, क्या उसके अलावा भी हमने कुछ डेबिट क्रेडिट किया है? यस, ये 750 क्रेडिट किया और ये 7 लाख डेबिट किया। देख ले, तसल्ली से देखें और वर्क इन प्रोसेस पोस्टिंग फाइनल करें। वन फिफ्टी, 225 एंड 375। हाँ डेफिनेटली 700 ने भी आना है, ब्रेकअप ही बना लें जो रेफरेंसेस के एंगल से है। तसल्ली से देखें, पोस्टिंग में कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए, कंसंट्रेशन से देखें। उसने इनडायरेक्ट सैलरी अलहदा बताई थी, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस अलहदा बताए थे,
आफ्टर ऑल दिस एक्चुअल डेबिट साइड पे है और अब्सॉर्ब्ड क्रेडिट साइड पे है, अप्लाइड क्रेडिट साइड पे है। डन सर, सब कुछ क्लियर है? कोई फिगर ऐसी तो नहीं जो रह गई, समझ नहीं आई? बैलेंस कर दें अंडर कास्टेड, बेटा रहने दें वर्ड, अंडर अब्सॉर्ब्ड वर्ड कर लें, अंडर अप्लाइड कर लें, कास्टेड रहने दें शिराज, थोड़ा सा वर्ड सही कर लें, बाकी ठीक है, गुड एफर्ट। ये टोटल हो जाएगा मेरा ख्याल है कि 750, क्रेडिट साइड ज्यादा है, अंडर, अच्छा वैसे अंडर नहीं है यार, ये तो ओवर लग रहा है, ओवरचार्ज शिराज 15। शिराज साहब 15, बहरहाल शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ती सोचने की, कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिख के एंट्री फाइनल कर लें और से रेफरेंसेस देख के। फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर है, डेबिट हो रहा है 15। अब्दुल्ला वैसे ही बेटा जैसे रोज जादू करता हूं मैं, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट 15। क्रेडिट साइड पे मिस्टर अब्दुल्ला अब्सॉर्ब्ड अमाउंट है, तो अगर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो ओवर अब्सॉर्ब्ड है, और अगर क्रेडिट अमाउंट कम है तो अंडर अब्सॉर्ब्ड है। ठीक है अब्दुल्ला सर जी, 15 कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस हो जाएगा सर, ज्यादा चार्ज हो गया हुआ सर। डेबिट साइड पे एक्चुअल होता है, क्रेडिट साइड पे एब्सॉर्ब्ड होता है। डन सर, डन बेटा, ओके है, कोई इश्यू तो नहीं किसी का? कोई नोट तो नहीं कर रहा? कुछ हजरात का, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, कुछ हजरात के टाइप, वो टाइपिंग, टाइपिंग कहाँ करते हैं, कीबोर्ड पे शायद डब्ल्यू के अलावा कोई लफ्ज ही नहीं है, पढ़ाई के अलावा अगर कोई बात हो रही हो तो डब्ल्यू के अलावा सारे लफ्ज मिल जाते हैं, और अगर पढ़ाई के वाले से बात हो रही हो तो सवाल डब्ल्यू का कुछ भी नहीं निकलता। मुझे लग रहा है कि सवाल जब से पढ़ाई हो रही हो तो आपके कीबोर्ड पे सारे अल्फाबेट्स डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिस्टर हमजा बस कर यार, सवाए डब्ल्यू के और कोई सवाल नहीं रह गया, कोई जवाब नहीं है, वाइड अप कर दे सर बहस। आ गए हसन, प्लीज फाइनल करें यार। हंसने वाली बात नहीं हमजा, काश तो मेरे सामने, तो मैं बताता हूँ कि इस वक्त तो छा गया या डूब गया। अब्दुल्ला उमर बेटा, आपने सवाल पढ़ना नहीं है और आपने अजीब अजीब बातें करनी है अब्दुल्ला, काश हम आपने सामने होते। और मेरे भाई लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यार कमाल है, P&L लिख सकते हैं, ये क्या सवाल है अब्दुल्ला, क्या कर रहे हो यार? जॉब ए एंड बी कंप्लीटेड यार, मैं जितना बड़ा टाइम बचाना चाह रहा हूँ आप लोग प्लीज इररिलेवेंट चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं यार। जॉब ए एंड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री लिखें, अमाउंट ढूंढ के बताएं। जॉब ए मींस कंप्लीटेड मींस फिनिश गुड्स ए डेबिट, फिनिश गुड्स बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट क्रेडिट, ऑब्वियसली कंपाउंड एंट्री की जगह ज्यादा भी हो सकती है बी, इसके अमाउंट्स बतानी है यार आपको। वर्क इन प्रोसेस ए देख लें, लेजर बनाना है बना लें, लेकिन शायद कल वाले क्वेश्चंस की तरह इसमें वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग नहीं है। मेरा ख्याल है कि अपनी एंट्रीज देख के फाइनल कर सकते हैं, और लेजर बनाने कंपल्सरी नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर जरूर बना लिया करें, अभी हम कंफर्टेबल नहीं है अंडर ओवर अप्लाइड के लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं ढूंढे फिगर्स, ओपनिंग नहीं है इस केस में जी। ठीक है सन, 1000 मटीरियल लगा है,
एंट्रीज देखें फिनिश वर्क इन प्रोसेस के एंगल से, ए को 450 लेबर लगी है, एंट्रीज चेक करें वर्क इन प्रोसेस ए बी सी और 150 ओवरहेड्स लगे हैं, ढूंढ रहे फिगर्स। सिमिलरली बी में मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स इस तरह से लगे हैं, ठीक है सर। सब फिगर्स मिल गई है सारी, 1630 3390 बने गए, चेक कर लें बार लेजर बनाऊं या बन जाएगी बात, लेजर बना लें या फाइनल है प्लीज फिगर्स। अब ये ना कह दीजिएगा फाइनल तो नहीं है लेकिन रहने दें, कहीं बाद में लेजर ना लिखना पड़ जाए। आगे बढ़े, देन माय डियर दोबारा एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिएगा, जॉब ए जो है इसको सेल किया 2 मिलियन पे, ऑब्वियसली एक डिस्काउंट है लेकिन ये सेटलमेंट डिस्काउंट है ये, ठीक है आपने बेटा स्ट्रेट आ लिया बड़ा अच्छी बात, मैंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों बनाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इसे बनाने की जरूरत नहीं है जी। डियर रुक जाए जरा कहीं जहां कहीं है, डेटर डेबिट मेरा ख्याल है 2 मिलियन और सेल क्रेडिट मेरा ख्याल है 2 मिलियन, सेट डिस्काउंट सेटलमेंट वाले दिन फाइनल होगी और अभी हमें नहीं पता कि सेटलमेंट विद इन टाइम हुई है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ अब ये भी बात फाइनल रख लें, कल तक के जो सवाल थे उसमें सेल प्राइस अवेलेबल नहीं थी इसकी, मैं सेल की एंट्री जस्ट लिख के आपके सामने डैश लगा देता था, लेकिन आज फिगर अवेलेबल है, सॉल्व करें और फिनिश गुड्स ए को क्रेडिट भी करें। आई थिंक 1600 शुड बी द कॉस्ट ऑफ सेल, 100% क्लियर वाली बातें होनी चाहिए, अब हम अब फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं प्लीज इस चीज को, डन। और डिस्काउंट अलाउड की मैंने कोई बहस नहीं की अभी क्योंकि उसकी सेटलमेंट का हमें नहीं पता कब हुई है, हर एंगल से देख लें, कोई कंफ्यूजन अब रहनी नहीं चाहिए, यकीनन ट्रेड डिस्काउंट अगर हो तो वो निगोसिएशन पे लेस हो जाती है, लेकिन अगर सेटलमेंट डिस्काउंट हो तो उसका डिसीजन रसीद बेसिस पे होता है और अगर पैसे देने हो तो पेमेंट बेसिस पे होता है, फाइनल है बात। एक कदम और उठाएं आखिरी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए हमें 5 लाख के, उसकी एंट्री बना लें खुद से, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश या पेबल जो भी लिखें, यकीनन हैं तो ये फैक्ट्री की एंट्रीज, लेकिन अगर बीच में कहीं डाटा मिले फैक्ट्री से रिलेटेड तो ऑब्वियसली वो तो सिंपल डेबिट क्रेडिट होना, उसमें कोई नई चीज है। क्विक रिस्पॉन्स कर लीजिए, और बेटा हारिस हो चुका है ना किया करें बेटा, साथ साथ देखा करो क्या हो गया, प्लीज कर चुका हूं ये, प्लीज हो चुका है हारिस, क्या कर रहा है हारिस, और लास्ट वाली में अदर देन सैली पेड की तो एंट्री हो गई है, अब उसकी फिर करनी है, जी हारिस बेटा एक और भी है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी हारिस है, आप बेस्ट फ्रेंड ही हैं वैसे, लेकिन पता नहीं आपको मुझे ये राइट देंगे या नहीं, वो एक अलग इशू है। ओ बेटा हसन वो सेल होगी तो करेंगे ना यार, ओ माय डियर हसन खान ही क्या कर रहा है, हसन या हसान जो भी हो बेटा क्या कर, जॉब भी बिकेगी तो कॉस्ट सेल की एंट्री करेंगे ना यार, ये मेरा क्यों इतना मुश्किल टेस्ट ले रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या जॉब भी बिकी नहीं है और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर दूं यार, वो बेटा राशिद क्या हो गया, ये राशिद ये आपने भी कह दी, और सर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री का जब दिल करे कर देते हैं, सर जी क्या मैं आपके टेस्ट पे पूरा उतर गया हूं सर, मुझे पता आप लोगों ने मेरे टेस्ट किया कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं, जी राशिद है निशान
जी सर जी, एक क्वेश्चन अब आपको आज होमवर्क देना है, कल आपके पास टाइम होगा, प्लीज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। इसमें बेटा एक दो चीज बातें मैं सुन लें, जरूरत अगर पड़ेगी तो इंशाल्लाह फिर मंडे को इसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन चंद बातें जो शायद कुछ एक दो आपको नहीं महसूस हो वो मैं जरा बात एक्सप्लेन थोड़ी सी कर दूं, जरा चंद वर्ड बता दूं। ये बेटा इनामुल्लाह बाद में देखिएगा, इनामुर रहमान एस कॉर्पोरेशन हैज इट्स जनरल ऑफिस इन लाहौर एंड इट्स फैक्ट्री इन द नियर बाय टाउन। ऑन 1st January द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस शोड द फॉलोइंग, द ट्रायल बैलेंस शो फॉलोइंग। ये रेंट बेटा हमारा है, नेक्स्ट लाइन में चला गया सर, जनवरी की ट्रांजैक्शन, तो 1st January जो है ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कुछ ट्रायल बैलेंस की ओपनिंग फिगर्स दे रहा है। ये पहली बात ठीक है मेरी, स्पीड अप हो जाए क्विक रिस्पॉन्स, मैंने एक और क्वेश्चन की तरफ जाना था, जल्दी जल्दी जल्दी। अगली बात, अब बैलेंसेस की आप एंट्री नहीं करेंगे, आपको पता है ट्रांजेक्शन शुरू हो गई, मटीरियल परचेजेस इंफॉर्मेशन ना हो तो क्रेडिट परचेज, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट, मटेरियल डेबिट सॉरी मटेरियल बेहतर रहेगा। अच्छा मटेरियल रिक्वजिशन एक वर्ड यूज होता है मटेरियल इश्यूएंस के लिए, ये ब्रैकेट में एक्सप्लेन तो हुआ है लेकिन इसको जरा याद रखना आगे, मटेरियल रिक्वजिशन का मतलब मंगवाना होता है फ्रॉम स्टोर रूम टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और कुछ भी नहीं, मटेरियल इश्यूएंस याद रखिएगा, रिक्वजिशन ये कुछ सफों का नाम है जो तब बनाए जाते हैं जब मटीरियल मंगवाना हो प्रोडक्शन वालों ने स्टोर रूम से रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट अगर मंगवाया है या इनडायरेक्ट मंगवाया है तो इसकी बेटा एंट्री प्लीज आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। ओके मेरी बात नहीं, कंपाउंड एंट्री हारिस बनेगी, प्लीज कर ली नई चीज जरा सुन लें, हारिस महमूद जी डियर। उसके बाद रिटर्न द मटेरियल टू सप्लायर, मेरा ख्याल आप सोच के कर लेंगे, ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और पेएबल डेबिट हो जाएगा। पेमेंट टू वेंडर्स, वेंडर कहते हैं सप्लायर्स को, तो पेएबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट कोई इशू वाली बात नहीं है। पेरोल फॉर द मंथ, ये बेटा जो फिगर्स दी हुई है इनकी बेस पे अगर हम सोचें तो ये एंट्री बन जाएगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, डायरेक्ट लेबर से फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, इनडायरेक्ट लेबर से और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। ये कुछ बातें हजम है अभी जो मैं तेजी से लगा हुआ, देख के नजर आती हैं चीजें जहन में आती हैं। देन बेटा वो कहते हैं वर्कर्स वर सब्सिक्वेंटली पेड, इस पेड की एंट्री करने के लिए आपको पहले पेरोल डेबिट भी करना पड़ेगा, तो टोटल बेटा पेरोल अवेलेबल है फैक्ट्री की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये मेरा ख्याल ट्राई कीजिएगा, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह कर लेंगे। सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस फिगर गिवन है, सन्ड्री मीन सिंपली अदर एक्सपेंस अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, या माइनर एक्सपेंसेस जिसका भी आपने पहले वर्ड सुना हुआ, तो इस फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस की एंट्री बन जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस रेंट यूटिलिटीज वगैरह क्रेडिट, और फिर अप्लाइड रेट दिया हुआ है 5 पर डायरेक्ट लेबर आर। मुझसे सिर्फ एक चीज सुन लीजिएगा, ये नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल नहीं है, ये रुपीज है सारे, लेकिन रेट दिया हुआ है पर आर 6। कैलकुलेटर पे मुझे जरा नंबर ऑफ लेबर आवर्स बता दें, ₹26,400 और 6 पर आर, क्या ख्याल है कितने आवर्स बनेंगे, निकालेंगे सब 4400 जी हमजा, अब जवाब जवाब नहीं आपका आ रहा मिस्टर सिर्फ हमजा, कैलकुलेटर है हमजा, बेटा ये अलमाज ना करिए यार प्लीज यार, बाकी डेफिनेटली बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपके पास फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे, जिशान ना करो यार 6 से जरब दे दिए, क्या कर रहे हो यार बेटा जिशान, कुछ तो सोच यार, अमाउंट है और आर्स है, आर्ली रेट है, अमाउंट भी है आर्ली रेट भी है, और निशान आपने बेटा मल्टीप्लाई कर दिए यार, क्या कर रहे हो, डिवाइड होना बेटा प्लीज, उसमें आर्स बने हुए हैं, आगे बढ़े।
फिर उसके बाद वो कहता है गुड्स कंप्लीटेड अमाउंटिंग टू रुपीज 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट इन द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इस क्वेश्चन में वो वर्क इन प्रोसेस के उस तरह से लेजर बेटा अलग अलग नहीं दे रहा ए बी सी डी करके, एक ही उसने बात की है, लेकिन याद रखना है उसने कोई परसेंटेज के एंगल से आपके साथ बात कर दी है। तो आप वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाएंगे लेकिन ओपनिंग ना भूलिएगा। आप वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाएंगे, उस लेजर में जितनी भी अमाउंट आएगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस 80% वो कहता है उसका जब करेंगे तो गुड्स कंप्लीट हो गई हैं, मींस फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। बात क्लियरली फॉलो कर ली आपने? लेजर बना लेंगे आप वर्क इन प्रोसेस का, ब्रॉट डाउन लिख के पोस्टिंग कर लेंगे और उस टोटल कॉस्ट का जो 80% आ रहा होगा, बल्कि शायद कल किया है क्वेश्चन नंबर वन में वो जो 10% और 90% डिवाइड किया था जिस तरह, उसमें भी ब्रॉट डाउन था लेकिन वो शायद एक से ज्यादा वर्क इन प्रोसेस थे, यहाँ एक ही वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। फाइनली फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 1140 वर शिप टू कस्टमर और ब्रैकेट पढ़ के ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड ऑन दीज शिपमेंट्स। एक छोटी सी चीज रिवाइज कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ये ऑब्वियसली बेटा हमारे साथ 20% है वो सीडी, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 80% कंप्लीट हुई है। अब बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, अगर ये लिखा ऑन सेल ऑन कॉस्ट फिर तो ये मार्कअप मार्जिन पता चल जाता है, लेकिन छोटी सी चीज जरा फाइनल कर लीजिएगा जहन में, अगर जहन में है तो ठीक है लेकिन नहीं भी है तो लिख लीजिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट अब उसने 25% इज मेड ऑन शिपमेंट, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर ये ऑन सेल कंसिडर होता है। यकीनन ये ऑन कॉस्ट भी हो सकता है, ऑन सेल भी हो सकता है, मींस मार्कअप भी हो सकता है कॉस्ट पे, सेल मार्जिन भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो ऑन सेल आपने बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नॉर्मली ऑन सेल होती है। ठीक है, मेरी बात ठीक है, याद रहेगी, याद रहेगी जी। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये मार्जिन है, और मार्जिन अगर है तो मैं एक आखिरी बात कर दूं यहाँ, 25 plus 75 plus 25 = 100 बनेगा ये। इट मींस ये जो फिगर है 114 ये आपने सेल में कन्वर्ट करनी क्योंकि गुड्स बिक गई हैं, सेल प्राइस पे एंट्री करेंगे आप, डिवाइडेड बाय 75 × 100 होगा। मेरे ख्याल लिख लें इधर कम्प्लीटली, इधर कहीं ना कहीं लिख लें जी हमजा, इसका मतलब ये है कि बाई डिफॉल्ट सेल पे ही होगा, ना करें ऐसे, प्लीज बात कंसंट्रेशन से सुने। कट्ठे हो रहे प्लीज, ये सर जी की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अब कंडी अब कंप्लीट कीजिएगा इसे। उससे ट्राई कीजिएगा, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी सर जी, अब ये वाला क्वेश्चन कैंडी बेटा आप होमवर्क रखिएगा कैंडी प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क प्लीज। मीनवाइल अब हमारे पास जो टाइम रह गया है इसमें हम इस तरह से कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कुछ ना कुछ ये वाला हिस्सा जो अभी हमने सॉल्व किया है फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री एंट्रीज के हवाले से, इसका जरा एक मिक्सअप, जरा पीरियोडिक परपेचुअल, जरा एक कंप्रीहेंसिव से एक डिस्कशन आपके सामने करना चाहता हूँ। तो अभी हमारे पास अलहमदा 20 मिनट है, जितना शुरू हो जाए आज नेक्स्ट वीक क्लास में इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करेंगे।
जी सर आ जाए अपने पास, जिनके पास बुक बेटा अवेलेबल है आप लोगों के पास पेज नंबर ये है 41। तो एक अब कम्प्रीहेंसिव जरा क्वेश्चन जरा आ जाए, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, पुराना जरा पुरानी चीजें बीच में मिक्स हो जाएंगी, पीरियोडिक परपेचुअल भी, तो अच्छा जरा एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एज वेल एज ये जो एंट्रीज भी आएंगी। कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? सीरियस लीजिएगा काइंडली, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आप सवाल। फर्स्ट लाइन से शुरू करें, नवाज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड डील्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स, वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स B2 इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रॉ मटेरियल A1, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट आफ्टर रिसीविंग कंफर्म्ड सेल ऑर्डर्स, following information is available, one of its products is produced using raw material A1, B1, B2 shell finished good hai, aur A1 raw material hai. Phir January 17 ka kuch data hai. Opening inventory of A1 200 kgs at the rate of 3000 per kg, A1 raw material hai, please, initially detail of purchases made during the year ended 31st January 17 were as follows, quantity or price per kg di hui hai. अगर ये परचेज है तो ऑब्वियसली बेटा फिर ये मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी को पर केजी अमाउंट आ सकती है। 50 केजीज ऑफ A1 वर परचेज्ड ऑन 15 जनवरी 17 वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 16 जनवरी 17 ड्यू टू द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल सप्लाइड। सोच के पुरानी चीजें आ रही हैं, प्लीज पुरानी चीजें आ रही हैं, मस्ट एम्फसाइज, ये परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे हम, परचेज रिटर्न है कोई या कोई लॉस है हमारा? पीआर है या लॉस है? एल इंफीरियर क्वालिटी है, हमने वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न है, हमारा कोई अपना लॉस नहीं। अब अगर 15 जनवरी को किया है तो इस रेट पे रिटर्न हुआ है, ये ठीक है, उन 2900 में से रिटर्न कंसिडर हो गए। आगे बढ़े, ऑन 18th January 17 100 kgs ऑफ A1 वर डिस्ट्रॉयड, दे हैड नो स्क्रैप वैल्यू। क्या है ये, क्या ये लॉस रिकॉर्ड होगा? डिस्ट्रॉयड, लॉस डेबिट, रॉ मटेरियल मटेरियल क्रेडिट, ठीक है। Under normal circumstances, 500 kgs of B1, so 500 kgs of A1 produce 400 liters of B2. ठीक है, मतलब 500 kg अगर डालेंगे, अब वो थोड़ी denominations बदल रही हैं, 500 kgs raw material अगर issue करेंगे, ये सही है मेरे पास सुनी का जरा, तो 400 लीटर फिनिश गुड्स बनेंगी B2 की, एक प्रोपोर्शन सॉर्ट ऑफ बना रहा, प्रोपोर्शन बना रहा, प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक, ओके, आगे नंबर 5, लेबर कॉस्ट पर लीटर ऑफ B2 फिनिश गुड्स बनाते हुए, एक लीटर ऑफ फिनिश गुड को बनाते हुए 700 रुपया लगता है। चीजें वही हैं, डाटा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ। अब अगला काम अगर हमने गलत किया तो ये फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 120% ऑफ द लेबर कॉस्ट, जो भी लेबर कॉस्ट आएगी उसको अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हमारे पास एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की अमाउंट आ जाएगी? अब यहां उसने आर से लिंक नहीं किया, उसने कॉस्ट लिंक कर दिए। फर्ज करें अगर 1 लाख आया, कैलकुलेटर पकड़ना था, अगर 1 लाख लेबर कॉस्ट आई, वो तो डेफिनेटली जब हम वर्किंग करेंगे पता चलेगा, 1 लाख लेबर कॉस्ट बेटा अगर आई तो क्या 1 लाख लेबर कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 120 करके, ये वही करेंगे जो करना हमने लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 120% करके, मोहम्मद शेबी बेटा किन चक्रों पड़ गए,
तो क्या 1,20,000 के ओवरहेड्स होंगे एस्टिमेटेड? इसके बाद आ गया आगे एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए 2,75,000। अब मेरा सवाल जरा रुक के यहां सुनना है, क्या ये पॉसिबल है? अभी हमें हमारे पास फिगर नहीं है, लेकिन मैंने कहा क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एस्टिमेटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स में डिफरेंस आ जाए? अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आ सकता है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड हो सकता है। आखिरी बेटा जो चीज इस वक्त इंपॉर्टेंट है समझने वाली वो ये है, ठीक है ठीक है, जजाकला जजाकला जजाकला। आप मुझे गौर से देख के बताएं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, क्या फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब की आप एडजस्टमेंट भी करेंगे, या कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट कर देंगे और या प्रॉफिट एंड लॉस में? अगर इंफॉर्मेशन ना मिली तो क्या मैं कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट कर देंगे? हम 120% की बेस पे चार्ज कर देंगे, 120% की बेस पे चार्ज कर देंगे और कम या ज्यादा जो चार्ज हुआ होगा उसकी फिर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरा आखिरी सेंटेंस ठीक है, 120% की बेस पे चार्ज कर देंगे, फैक्ट्री रेट्स अब्सॉर्ब कर देंगे और जो एडजस्टमेंट होगी वो अंडर ओवर अब्सॉर्ब की एडजस्टमेंट। जी हम ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ सेल में कर लेंगे, वो तो बात खत्म होगी। आगे चले, वो कहते ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब फिर ये है कि जितनी प्रोडक्शन शुरू हुई उतनी गुड्स कंप्लीट हो गई। देन वो कहते हैं सेल ऑफ बी टू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, सेल ऑफ बी टू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी वर एज फॉलोस। इस पे जरा कंसंट्रेशन रखना, आपने टेबल हमें दिया हुआ बी टू की सेल, बी टू क्या था फिनिश गुड्स। वो कहते हैं सेल ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर डेट, सेल ऑर्डर बना 2 जनवरी, 16 जनवरी, 26 जनवरी को, डिलीवरी डेट, क्वांटिटी लीटर्स में जो सेल हुई वो बताई उसने और फिर सेल प्राइस बताई। मेरा सवाल आपसे वो नहीं होगा जो आपने शायद सोचा है, मेरा सवाल आपसे ये है, नंबर एक सब कुछ पुराना रिवाइज करें, सेल किस दिन रिकॉर्ड होगी? चार को या दो को, सोच के जरा, मतलब पहली लाइन में से चार को या दो को, जी बिल्कुल ठीक है सर, डिलीवरी डेट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट चीजें कब सेल होती हैं? डिलीवरी पे नहीं बेटा, प्लीज दो नहीं, ऑर्डर पे नहीं, ऑर्डर पे नहीं। गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होते हैं? जब हम डिलीवर करेंगे। जिन हजरात ने, जिन लोगों ने, काफी सारे हैं जिन्होंने दो कहा, मेरी बात क्लियर है, चार को होगी, 4 और 28 को होगी रिस्पेक्टिवली, सेल सेल सेल। जिन लोगों ने मुझे प्लीज बेटा बताया, अदरवाइज काइंडली दोबारा रिस्पॉन्ड करें, 4 और 28 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपके बहुत से पुराने नए कॉन्सेप्ट बीच में अच्छे से फाइनल हो जाएंगे। अगली बात सुने, सेकंड लाइन ऊपर वाली जेन में रखें, टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है। वो कहता है प्रोडक्शन तब कैरीड आउट की जाती है आफ्टर रिसीविंग कंफर्म्ड सेल ऑर्डर। मुझे आपने ये बताना है कि रॉ मटेरियल इश्यूएंस कब रिकॉर्ड करेंगे, रॉ मटेरियल इश्यू कब हुआ होगा, 2 और 26 को या 4 और 28 को? ये हुआ क्या है, कुछ समझ आता है? 2 और 26 को, ये शायद मैं कल वाली बातें भी कुछ कर रहा था,
मतलब ऑर्डर मिला दो को तो काम शुरू हो जाएगा दो को, लेकिन वो कंप्लीट हो रहा है शायद चार को, बल्कि शायद वो एक दिन बीच में कंप्लीट होने के बाद फिर डिलीवरी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि 2 और 26 को रॉ मटेरियल इश्यूएंस रिकॉर्ड होगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, कंफर्म सेल ऑर्डर्स, और फिर सेल की अगर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तो 4 और 28 को होगी। ओके है बात, यहां तक बात ओके है? देन माय डियर एक और इशू, ये जो है क्वांटिटी सोल्ड है लीटर्स में, क्या इसको रख के जहन में और इस सेंटेंस को पढ़ के अपने सामने हम इंशाल्लाह ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 100 लीटर बेचे हैं, 100 लीटर बना के बेचे हैं, तो रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ होगा इस प्रोपोर्शन को जहन में रख के। ये हिम्मत करनी है जरा आपने, ना करें ना करें, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, अपने कैलकुलेटर पे एक वर्किंग करके मुझे बताना है और गौर से देख के। और जिंदगी में इस तरह के कभी इशू अगर आए तो हमेशा मार्कअप मार्जिन हेल्पफुल हो जाएगा। ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का जवाब ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं बताया शोएब आपका ठीक नहीं है। जी माय डियर आप आगे ना जाइएगा, हमजा एक मिनट ठहरे, सिर्फ पहली लाइन कंप्लीट कर लें, 100 लीटर वाली बाकी हो रही, मुझे सबका जवाब चाहिए। जी बेटा गलत हो रहा है, 80 नहीं है बेटा, शोएब 80 नहीं है। आप जो 80 आंसर बेटा आप जो लोगों ने बताया निकाला, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपसे जरा जरा ये मेरी रिक्वेस्ट है, पहले पढ़े सेंटेंस और ये बताएं, आप अपने आप को जरा बताएं कि क्या रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है और फिनिश गुड्स कम बन रही है, पहले ये फैसला कर लें जरा ये सेंटेंस देख के। जिन लोगों ने मुझे 80 बताया, जिन लोगों ने मुझे 80 बताया, काइंडली पहले ये मुझे आंसर दें सोच के कि क्या रॉ मटेरियल लगता ज्यादा है केजीज में और लीटर्स बनते कम है। नहीं बेटा सॉरी वाली बात नहीं, मैंने चाह जरा सही तरह क्लियर हो जाए, लेकिन मेरा मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमेशा आप लोग ऐसे सोचें, कैसे मार्कअप मार्जिन के तरीके से, ये 100 लीटर हैं, 100 लीटर ये लीटर्स, और ऊपर अगर हम पढ़ें तो क्या इसकी बेस 400 है और मल्टीप्लाइड बाय केजीज फाइंड आउट करने हैं, क्या लीटर से केजी निकालने हैं, ये मैंने क्या किया है, समझ आया किसी को? 100 लीटर की उस प्रपोर्शन में बेस, ये मार्कअप मार्जिन के एंगल से समझ आता है कुछ? 100 लीटर, लीटर लीटर लीटर्स डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ लीटर्स, ये सब मार्कअप मार्जिन में प्लीज होता था, ये ना कह दीजिएगा वो क्या होता था। तो 100 डिवाइड बाय 400 जो लीटर्स हैं उसकी प्रपोर्शन ऊपर 400 था, और मल्टीप्लाइड बाय 500, ऑफ कोर्स आप जिस तरह चाहें कैलकुलेट करें वो इशू नहीं है, आना तो 125 है, अगर आप किसी और तरीके से भी करें मुझे उस पर एतराज नहीं है, बेस्ट तरीका मेरा ख्याल है कि यही रहता है, बाकी आपकी चॉइस है। जी अब सबका आंसर 125 है, जिन्हें ये क्लियर नहीं है और आपका आंसर 125 है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप इस मेथड को कंपलसरी अडॉप्ट करें, ये मैं नहीं कह रहा, बाकी ठीक है। 500 डिवाइड बाय वही हो रहा है, 500 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 400 डिवाइड हो रहा है, और एक छोटी सी वर्किंग अगर और हो जाए, अब बात हो रही है 160 डिवाइड बाय 400 500। क्योंकि वो लीटर्स की परसेंटेज है, क्योंकि वो लीटर्स की क्वांटिटी है, लीटर्स डिवाइड बाय लीटर्स, तो 160 अगर लीटर्स बनेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन 200 रॉ मटेरियल के केजीज इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया यहां तक? ठीक है, यहां तक ठीक है?
बाकी बेटा उसने फिर कहा वेटेड एवरेज मेथड है और परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों से करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचना है। कहां जरूरत है पीरियोडिक परपेचुअल वगैरह की, इंशाल्लाह वो सब कुछ कंसिडर करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह मंडे को प्लीज करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो चीजें हो रही हैं उनको काइंडली जरूर रिवाइज कीजिएगा। और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट करना है और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस काइंडली अच्छी तरह दोबारा देख लीजिएगा। बेटा मैंने कब कहा कि आंसर सिर्फ इसी तरह आता, मैंने तो यही कहा कि आंसर सिर्फ इसी तरह ही आता जी। संडे को बेटा अगर कभी क्लास रखनी होगी तो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करके रखूंगा। तो कल रहने दे मेरा ख्याल, लेकिन आप जो जज्बातियत मेरे लग रही महसूस हो रही है वो जज्बातियत मेरा ख्याल है कि मुझे फोर्स कर रही है कि हम नेक्स्ट संडे का जरूर प्लान बनाए। इंशाल्लाह देखते हैं कुछ। अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आज या कल मैं आपके पास आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।